हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2 ऑफ योर चैप्टर एक्सपोनेंट। क्लियर? सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन 846.375। सो 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3 बाई 10 प्लस 7 बाई 100 प्लस 8 बाई 1000। क्लियर? ओके, सो वी कैन रिटर्न दिस एज 8 इंटू 10 पावर 2 बिकॉज हियर वी हैव 100, 4 इंटू 10 पावर 1 हियर वी हैव 10 ओनली, 4 इंटू 6 इंटू 10 पावर 0 1 मीन्स 10 पावर 0 प्लस 3 क्रॉस 10 पावर माइनस 1 प्लस 7 क्रॉस 10 पावर माइनस 2 प्लस 8 क्रॉस 10 पावर माइनस 3। क्लियर? बी एंड सी विल बी योर होमवर्क। Now question number 4. Express the following number in standard form. Express the following number in standard form. देखिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे डेसिमल में, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपकी पावर नेगेटिव में होगी, बट अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो पावर पॉजिटिव होगी। तो आप यहां देखिए डेसिमल के आप लेफ्ट से राइट में मूव, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 3.5 क्रॉस 10 पावर प्लस 5 पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पे लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहे, सॉरी यहां माइनस 5 लेफ्ट टू राइट में माइनस चलेगा। सो 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 5। क्लियर? जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आपकी पावर नेगेटिव में जाएगी, जबकि राइट टू लेफ्ट में मूव करोगे तो आपकी पावर पॉजिटिव में जाएगी। ये बात क्लियर है? ओके, नाउ बी पार्ट 42000000। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6। आपको जहां पे जिस नंबर पे डेसिमल लगाना है वहां उससे पहले तक काउंट करना है, जिस नंबर के पहले आप डेसिमल लगाओगे वहां तक काउंट करोगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको डेसिमल 2 से पहले लगाना है तो वहां तक हम काउंट करेंगे। तो 4.2 इंटू 10 पार 6। क्लियर? पॉजिटिव होगी पार क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। और 4.2 क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे पॉइंट यहां, आप यहां पे भी लगा सकते हो, जहां पे भी आपको लगाना है उस हिसाब से आप पावर को काउंट करोगे। नाउ सी 152400000। सो अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमको 5 के पहले पॉइंट लगाना है तो हमने काउंट किया कि 8 है यहां तक, 5 क्या है 8, तो 1.52 इंटू 10 पावर 8। क्लियर? नाउ डी ई एंड एफ विल बी योर होमवर्क। डी ई एंड एफ विल बी योर होमवर्क। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। द साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 mm। क्लियर? सो 5 × 10⁻⁶ mm, 5 × 10⁻⁶ mm। सेम थिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको डेसिमल 5 के बाद लगाना है। आप इसको 5 बोलो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5 × 5.0 × 10⁻⁶, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो हमें 0.5 के बाद लगाना था तो मैं यहां तक काउंट किया 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर वो पावर सब नेगेटिव में चली जाएगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। सिमिलरली बी, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। सो सिमिलरली 1 पॉइंट यहां पर है तो हमको यहां क्या करना है, हमको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो 1, 2 क्लियर है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो 1, 2, 7 के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो 7 × 10⁻²। क्लियर? नाउ सी डाया ऑफ अ वायर ऑफ अ कंप्यूटर चिप इज इतना। ओके, सो लेफ्ट टू राइट अगेन मूव करना है तो 1 हमको पॉइंट यहां लगाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2.5 × 10⁻⁶। आप पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हो, तो यहां पे ये चीज हो गई। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1496000000, 1.49 × 10⁻¹ meter, 1.49 × 10⁻¹ meter। ठीक है, क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इज 3000000 meter per second, सो 3 क्रॉस 10⁻⁸ meter per second, 3 क्रॉस
एट मीटर पर सेकेंड. क्लियर. एक्सप्रेस द, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्मेट में लिखना है तो 0.52 into 10 power 5 है. सो हम यहाँ पे पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो हेयर वी हैव 1, आफ्टर 1 वी हैव 20 एंड हेयर वी हैव 10 power 50 means 1 and 50. 20 cancel 20, वी हैव 52000, 52000. सिमिलरली 8.54 into 10 power 4, पॉइंट एलिमिनेट 100 into 10 power 4, वी गेट 8.54 into 10 power 2, 8 power. ओके मींस 85400. क्लियर. सिमिलरली सी पार्ट 5 × 10⁻¹. माइनस है, नेगेटिव, तो आपके जीरोस इधर के साइड होंगे. 5 तो 1 2 3 4, 4 एंड 5. क्लियर. नाउ डी पार्ट 1.6 × 10⁻³. सो 1.6 पॉइंट रिप्लेस बाय 1 एंड आफ्टर दैट वी हैव 10. हियर वी हैव 10⁻³. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 10⁻¹. 1.6, 16 × 10⁻⁴ means ऐसे बोल सकते हो. एक्चुअल में इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा. इस तरीके से आप इसको आगे 16/10 × 10⁻³ means 1/1000. सो 16/10,000 देयर वी हैव 0.000016. क्लियर. ओके थैंक यू. वी विल सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.